ये दोस्तों, आई एम सागर परमार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डीसोप में कैसे ऑडियो और वीडियो वर्जन में अपन एजुकेशन ले सकते हैं और सामने वालों को दिखा भी सकते हैं, जिसके माध्यम से वो व्यक्ति पढ़ाई प्लस कमाई प्लस कम्युनिकेशन स्किल प्रेजेंटेशन ये पूरा कैसे ऑडियो और वीडियो वर्जन में ले सकता है। तो मैं अभी आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ। तो मैं आपको वो चीज़ बताने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपको डीसोप साइड क्रोम पर या गूगल पर या अदर ऐप पर अगर आप यूज़ करते हो तो ओनली थ्योरिकल एजुकेशन आपको अवेलेबल होगी। मीन्स आप वहाँ पर वीडियो कुछ एजुकेशन की ओपन कर सकते हो, बाकी आपको थ्योरिकल एजुकेशन अवेलेबल होगी। बट उसी के साथ साथ अगर आप पुपिन ऐप यूज़ करते हो, जैसे कि मैंने उसी को ओपन किया है, रजिस्ट्रेशन नंबर डीसोप का सर्टिफिकेट या जो भी डीसोप की मैंने साइट डाल दी, उसमें आपका लॉगिंग ओपन होता है, तो उस लॉगिंग के माध्यम से आप पूरी एजुकेशन अवेलेबल करते हो। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, अपन एजुकेशन अवेलेबल करते हैं उसके माध्यम से पूरी प्रिपरेशन होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मेरे थर्ड नंबर की आईडी है, मैंने इसको डाला। उसके साथ साथ अपन जब इसको सबमिट करेंगे तो अपना पुपिन पे अवेलेबल हो जाएगा एजुकेशन। जब अपन एजुकेशन अवेलेबल करेंगे तो यहाँ पर अपना पूरा बिजनेस स्टार्ट आएगा, जैसे कि डीसॉफ्ट एजुकेशन का लेकर सभी चीज़ें आपको अवेलेबल होगी। इसमें यूज़र प्रोफाइल भी आ जाएगी, मैसेज बोर्ड भी आ जाएगा, इंसेंटिव अपना स्टेटस जो कि अपना पेमेंट बनता है उसकी डिटेल आ जाएगी, बिजनेस ग्रोथ तो अपना इसमें बिजनेस ग्रोथ आ जाएगा, लिस्ट ऑफ सेमिनार जो अपना इंडिया लेवल पर जो प्रोग्राम लगते हैं उसकी लिस्ट आ जाती है, सर्टिफिकेट्स जो कि डीसॉफ्ट अपन को अवेलेबल कर करके देती है वो पूरे सर्टिफिकेट आ जाते हैं। दोस्त, आज बहुत से लोगों का डाउट रहता है क्या संस्था क्या देती है, फर्जी तो नहीं है या इसमें पढ़ाई होती भी है नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये भारत सरकार से व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री एमडी सर ने इसको रजिस्ट्रेट किया है, कोई फर्जी कंपनी नहीं दोस्त, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर अपन को अवेलेबल किया जाता है। दूसरा सर्टिफिकेट अपन को मिलता है भारत सरकार से, क्योंकि व्यापार चिन्ह का रहता है, इसमें पूरी मेंबरशिप दी गई है जो कि अपॉर्चुनिटी को लेकर है। दोस्त, नेक्स्ट सर्टिफिकेट अपना आता है निगमन, जो कि निगमन का प्रमाण पत्र जिसे बोला जाता है, जो भारत सरकार से अपन को मिलता है सत्यमेव जयते का। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है U72900DL2000 PTC 10-86-91। तो ये रजिस्ट्रेशन से अपन मान्यता प्राप्त है। साथ ही साथ भारत सरकार से व्यापार चिन्ह से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल फ्रीडम, जैसे यूअर गेटवे टू, मतलब आर्थिक आज़ादी से एक इंसान यहाँ पे कमाई भी कर सकता है, उसके लिए भी अपन मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट मैं बात करूँ ISO, तो अपन ISO से भी रजिस्टर्ड है। ये अपन को सर्टिफिकेट वगैरह पूरे अवेलेबल होते हैं दोस्त, जिसकी अपन प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट के बाद में आकर अपना यहाँ पे आ जाता है पॉपुलरिटी, कितने पॉपुलरिटी क्या है, गेट डाउनलोड सेंटर। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, अपना जो कि वीडियो ऑडियो जो कि अगर महागुरु जी संजय धीमान सर बड़े बड़े दिग्गजों की, अपन इसमें वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हैं और ऑडियोज भी अपन सुन सकते हैं। अब जो एजुकेशन ओपन होती है ये आपका यहाँ पर स्टार्ट होता है वर्चुअल कैंपस। जब आप वर्चुअल कैंपस पे ओपन करोगे तो दोस्त आपकी ये पूरी एजुकेशन अवेलेबल आएगी, जिसमें बंदे का नाम आता है वेलकम टू, ठीक, उस बंदे का नाम, जिसमें सबसे पहली जो एजुकेशन आती है इंटरेक्टिव एजुकेशन। इंटरेक्टिव एजुकेशन का मीन्स क्या, यहाँ पर मतलब कैसे आप अट्रैक्ट हो सकते हो एजुकेशन के प्रति, जिसमें आप अपनी एजुकेशन बेस्ट कर सकते हो, जिसमें आपका सबसे पहले आता है MS Word, दूसरे नंबर पर आप देख पा रहे होंगे MS Excel, तीसरे नंबर पर आप देख पा रहे होंगे MS PowerPoint। आप जब MS Word पे क्लिक करोगे तो आपके पूरे ऑप्शन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें लैंग्वेज भी दी गई है, यहाँ पर टाइमिंग भी दिया गया है ट्रेनिंग का, लास्ट सीन क्या, आपने कब तक स्टडी मटेरियल लिया है, वो पूरा अवेलेबल होता है। जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्जन दिया जाता है, जिसमें आप ऑडियो और वीडियो वर्जन में प्रॉफिट ले सकते हो, मतलब उस चीज़ को समझ सकते हो। अब इसमें क्या होता है, जैसे टॉपिक के नेम है, ये टॉपिक का चैप्टर है, जैसे चैप्टर का नाम फर्स्ट है गेट टू नाउ दैट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये चैप्टर का नाम है। अब इस चैप्टर के अंदर जो कोर्स है, जो लेसन है, वो लेसन के नाम है। जैसे लेसन का फर्स्ट नेम हाउ टू स्टार्ट MS Office, मींस आप MS Office को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट टाइपिंग, आप टाइपिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, मतलब पूरा आपको चैप्टर दिया है, ये उसके लेसन दिए, फिर चैप्टर दिया है, फिर उसके लेसन दिए, फिर चैप्टर दिया है, फिर उसके लेसन दिए, फिर चैप्टर दिया, फिर उसके लेसन दिए। हर चैप्टर के बाद आपको एक लेसन मिलेंगे, उन लेसनों की आप तैयारी कर सकते हो। अब आप चाहते हो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो
यार मैं यहीं से स्टडी करूँ रोज, तो आप यहीं से भी ओपन कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है किसी भी स्टूडेंट के ऊपर। अब जब यहाँ पर आप हाउ टू स्टार्ट एमएस ऑफिस, जब आप एमएस ऑफिस स्टार्ट करते हो तो आपकी जो एजुकेशन है वो ऑडियो और वीडियो वर्जन में अवेलेबल हो जाती है। अब ऑडियो वीडियो वर्जन में आपको दिखाई भी देगी, वो आप आराम से कर सकते हो। When you open Word, you see a blank document. It looks like a sheet of paper, and it takes up most of the space on the screen. You need to get to work, but being new to work. और वीडियो वर्जन में बोलेगा, जिसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हो। अब ये हो गया है इंग्लिश डिपार्टमेंट। अब मान के चलते किसी व्यक्ति का क्वेश्चन है, सर मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं, तो वही स्टूडेंट इसको वर्जन हिंदी में देख सकता है। मतलब ये चैप्टर हिंदी में आ जाएंगे, जैसे चैप्टर फर्स्ट एक्सेल अपनी पहली कार्य पुस्तिका बनाए, ये चैप्टर काय में आ गया हिंदी में, ये इसी के लेसन हिंदी में आ गए। मतलब किसी स्टूडेंट को इंग्लिश में अगर समस्या है तो वो हिंदी वर्जन में भी ये एजुकेशन लेके देख सकता है, जिसके माध्यम से वो पूछ की पढ़ाई आगे रेगुलर कर सकता है। जैसे ऑडियो वीडियो इसमें भी हिंदी में चलेगा, जैसे कि रिसेंटली अभी अपन ने देखा तो वो ऑडियो वीडियो इंग्लिश में था, बट अब ये जो चलेगा ये हिंदी में चलेगा। जैसे एमएस ऑफिस अपन ओपन करते हैं। संक्षिप्त विवरण, आपको एक्सेल 2007 में डेटा दर्ज करने को कहा गया है, लेकिन अभी भी मूल चीज, मतलब ये चीजें आपको पूरी हिंदी टू इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो जाती। जबकि दोस्त अभी अपन ने एक एप्लीकेशन ओपन की थी ओनली फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मोबाइल वर्जन की, फिर नेक्स्ट दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मोबाइल वर्जन, फिर माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन हिंदी वर्जन। मतलब पूरा का पूरा लेसन वाइज अलग अलग एप्लीकेशन ओपन होती है। फिर इसी को अपन एमएस एक्सेल को स्टार्ट करेंगे तो यही के यही आपको एमएस एक्सेल में मिल जाएंगे, तो एमएस एक्सेल के आपके टॉपिक अवेलेबल हो जाएंगे। यही आपको एमएस पावर पॉइंट में मिल जाएंगे, आपको उसमें टॉपिक अवेलेबल हो जाएंगे, मतलब आप उसके टॉपिक भी पढ़ सकते हो। ये तो हो गया कंप्यूटर का नॉर्मल। दोस्त अब कंप्यूटर के साथ आपका यहाँ पे आता है लर्निंग टू इंग्लिश, जो कि ग्रामर आती है। मतलब आप ग्रामर की भी प्रिपरेशन यहाँ से करके देख सकते हो, जिसमें आप ग्रामर की प्रिपरेशन करोगे। नेक्स्ट कम्युनिकेटिव इंग्लिश, आप अपनी कम्युनिकेटिव इंग्लिश को भी परफेक्ट बना सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज को भी आप परफेक्ट बना सकते हो। जब आप बिगनर लेवल को ओपन करते हो तो बिगनर लेवल में आपका आ जाता है ओवरव्यूज, मतलब आप ओवरव्यू में कैसे क्या होता है, फिर नंबर टू काउंट, मतलब ए टू 30, एक से लेके 30 तक आप ओवरव्यू करके देख सकते हो। नंबर्स फ्रॉम 1 टू 30, अंक 1 से 30 तक, 1 2, ये मीन्स ऑडियो और वीडियो बोल के बता रहा है। फिर ये 31 से 60 तक ये पूरा, फिर ये साइंस के मैथमेटिक्स के जो सोल्व पेपर अपन वो निकालते हैं। तो दोस्त अपन उस वर्जन की भी वन वर्ड सेंटेंसेस, एक शब्द के वाक्य, सुनो, लिसन, दोहराओ, रिपीट, जाओ, गो, आओ, कम, रुको, स्टॉप, लो, टेक, इंतजार करो, वेट, बहुत खूब, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, ग्रेट, ठीक है, ओके। ये दोस्त ऑडियो और वीडियो वर्जन में आपका अवेलेबल होता है। फिर मीट एंड ग्रीट, जिसकी प्रिपरेशन अपन करते हैं इंग्लिश वर्जन की, तो उसकी भी अपन यहाँ पर तैयारी बेस पे कर सकते हैं, वो भी ऑडियो और वीडियो वर्जन में आपको अवेलेबल होगा। अब हम अभिवादन के शब्द और वाक्य बताएंगे। नमस्ते, हाय, हेलो, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? कैसे हो? हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, और आप? आई एम फाइन, एंड यू? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद, धन्यवाद, वेरी वेल, ऐसे आप थैंक यू वर्जन में फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। मतलब पूरा का पूरा वर्जन दिया गया है दोस्त, जिसकी आप प्रिपरेशन पूरा कर सकते हो। ये पूरा पूरा डिस्क्राइब ऑडियो वीडियो मिलेगा दोस्त। ये एक भंडारा है जिसमें आप जितना खाओगे उतना ही कम पड़ेगा, मतलब जितना खाओगे उतना ही कम आपके लिए पड़ेगा, जितना आप लोगे उतना ही वहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। ये एक डिक्शनरी की तरह होता है दोस्त, जिस प्रकार डिक्शनरी में सभी वाक्य मिलते हैं उसी प्रकार यहाँ अवेलेबल है। ये सेल्स एंड ट्रेनिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग की भी अगर अपन को स्टडी करना तो डायरेक्ट सेलिंग की पी के ऊपर भी स्टडी मटेरियल दिया जाता है, जिसमें बच्चा तैयारी यहाँ से करके देख सकते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्ट सेलर्स आर दोस इंडिविजुअल्स एंगेज्ड ऑन देयर ओन बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ अ डायरेक्ट सेलर। दोस्त आपको वैलिड होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM, इसकी भी प्रिपरेशन में आपको यहाँ पे जो डायरेक्ट सेलिंग थ्रू मल्टी लेवल कॉम्पनसेशन brings significant substantive benefits to benefits वगैरह बताता है दोस्त इसको। फिर सेल्स एंड मार्केटिंग की आप प्रिपरेशन कर सकते हो यहाँ से, जिसकी तैयारी होती है आपकी। नेक्स्ट आर्किटेक्ट इंजीनियर, अगर कोई भी व्यक्ति आर्किटेक्ट इंजीनियर की भी प्रिपरेशन करना चाहता है तो दोस्त वो भी कर सकता है, जिसमें ये वर्जन होता है, ये जो न्यू अपडेट होते हैं वो आपका न्यू अपडेट में अवेलेबल हो जाता है एजुकेशन, जिसके माध्यम से आप पूरी पूरी तैयारी ऑडियो वीडियो वर्जन में अपडेट कर सकते हो। Polygon tool
to draw a regular polygon. मतलब ये इंजीनियर लेवल की आर्किटेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो. नेक्स्ट एंड्रॉइड डेवलपमेंट की भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, जिसमें आप इंट्रोडक्शन वगैरह आ जाता है, आपका कोर्स ओवरव्यू आ जाता है. इंट्रोडक्शन पे आप जब क्लिक करोगे तो उसके अंदर ऑडियो वीडियो आपको अवेलेबल हो जाता है. Hi. Welcome to the virtual training company presentation of Android development using C# C++ language. Visual Studio. की नोट अपन करते हैं, जैसे अल्ट्रा एस, अल्ट्रा जेट, ये अपन जो दबाते हैं उसकी प्रिपरेशन भी अपन कर सकते हैं. पूरा का पूरा वर्जन दिया गया है दोस्त, मतलब ये नेटवर्किंग के कोर्सेज दिए जाते हैं, ब्लूटूथ वगैरह जो वर्क करते हैं वो कैसे अवेलेबल करते हैं वो दिया है. ये ऑडियो वीडियो में आप lesson, देख सकते हैं. We're going to be working with Bluetooth. We're going to be using the Bluetooth example from the Android SDK. It's a Bluetooth chat program. ये ब्लूटूथ के प्रोग्राम के नेम है जो आप ऑडियो और वीडियो वर्जन ले सकते हैं. पूरा का पूरा एजुकेशन मटेरियल दिया जाता है दोस्त, जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपके लिए कम पड़ेगा. नेक्स्ट आप इसी में एंड्रॉइड वर्जन में और प्रिपरेशन ले सकते हो. नेक्स्ट आप इसी की वर्चुअल स्टडी कर सकते हो, जिसकी भी प्रिपरेशन आपको करनी है. ऑडियो और वीडियो के माध्यम से ही आपको पूरी चीज़ बताई जाएगी. आज आपको भी लोग मूवी देखते हैं, गाने सुनते हैं, टिकटॉक देखते हैं, रील्स देखते हैं, स्टेटस देखते हैं, तो लोगों को नींद आलस नहीं आता. बट अगर वहीं पर उनको बुक हाथ में दे देते हैं, किताब हाथ में दे देते हैं, पढ़ने की कोई चीज़ दे देते हैं, याद करने की अगर कोई चीज़ दे देते हैं, तो वही लोग वहाँ पर सोने या आलस में या फिर भाना ये अधिकतर मार देते हैं. यस, तो बट यहाँ पर जब ऑडियो वीडियो वर्जन में वो देखेगा तो उसको इस चीज़ में मज़ा आएगा. और जिस चीज़ में लोगों को मज़ा आता है आज की तारीख में वही चीज़ करते हैं. ये HTML है जिसकी पूरा एक भंडार भरा हुआ एजुकेशन का. ये देखो दोस्त, आर्किटेक्ट इंजीनियर की प्रोफेशन में इसमें आ जाता है HTML 5th, उसके बाद में CSS 3, इसकी भी प्रोफेशन आप करके देख सकते हैं दोस्त. जिसकी आप प्रोफेशन करोगे गेटिंग स्टार्ट, जिसकी प्रोफेशन में आप ऑडियो वीडियो वर्जन ही आप इसमें अवेलेबल करोगे. All right, we're ready for the remainder of the high resolution layout. Now, I should have explained this in the ऑडियो वीडियो के वर्जन में ही आप इसको अवेलेबल करोगे, जिसके माध्यम से आप प्रिपरेशन कर सकते हो. नेक्स्ट वेब डिजाइनिंग आ जाएगी आपकी, आपको डिजाइन करना कोई सा भी पेज तो वो आ जाएगा. नेक्स्ट 10 डिडिक्टिव, जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स होते हैं दोस्त, इसमें भी पूरे आ जाते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट. इसमें आ जाता है बॉडी लैंग्वेज, से अबाउट फॉर यू, 11 टिप्स, अपन को पूरी ट्रिक दी जाती है जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑडियो वीडियो में टिप्स अवेलेबल होती है, जिसमें बच्चे को बहुत काम आती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में. इसकी पूरी प्रिपरेशन तैयारी, ये पूरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टिप्स हैं जिसमें जो हर जगह काम आता है. नेक्स्ट आता है आपका हेल्थ एंड फिटनेस. आप हेल्थ एंड फिटनेस पे जाओगे तो आपकी डॉक्टर लाइन की पूरी प्रिपरेशन आ जाएगी, जिसकी आप तैयारी आप यहाँ से कर सकते हो. जिसमें आपका याद आएगा यहाँ पर मेडिकल लाइन की प्रिपरेशन में जाएगा हेल्थ होम, उसके बाद में इसके चैप्टर आप ओपन करोगे तो इसके अंदर की डिटेल खुलेगी. ड्रग रिप्रेशन बोर्ड आ जाएगा इसमें, डाइट एंड फिटनेस आ जाएगी इसमें, हेल्थ सेंटर आ जाएगा इसमें, हेल्थ सेंटर के भी टॉपिक आ जाएंगे इसके अंदर. जब ये टॉपिक में आप ओपन करोगे हर टॉपिक की डिटेल आ जाएगी. नेक्स्ट आप डाइट एंड फिटनेस पर आप जाओगे तो डाइट एंड फिटनेस के टॉपिक आ जाएंगे. ड्रग रिप्रेशन पर आप क्लिक करोगे तो ड्रग रिप्रेशन की टेबलेट आएगी. कौन सी टेबलेट खाने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान ये इसमें, जैसे ए नाम पर अगर अपन गोली पर क्लिक करेंगे तो ए नाम की जितनी भी गोली चलती है उसे क्या खाने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान, कितने मात्रा में एल्कोहल, कितने मात्रा में यूनिक, वो दी जाती है. जैसे A250, ये A250 में क्या क्या चीज़ दी गई ये पूरा लिखा हुआ है. जैसे वाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई शुड नाउ अबाउट विटामिन ए, मतलब विटामिन ए से आपको क्यों विटामिन ए इंपॉर्टेंस है आपके लिए. फिर यहाँ पे दिया व्हाट इज़ विटामिन ए, विटामिन ए क्या होता है. फिर उसमें दिया हाउ शुड नॉट टेक विटामिन ए, विटामिन ए क्यों नहीं लेना, मतलब पूरी की पूरी प्रिपरेशन आपको अवेलेबल. जैसे अगर आपको ये हिंदी में इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो इसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, तो जो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो पूरे को आप, ताकि डाउनलोड में आपको कई जगह तक प्रॉब्लम ना आए, या फिर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो जो आप हिंदी वर्जन में इसकी तैयारी कर सकते हो. नेक्स्ट इसके पूरे को पूरे दिए गए हैं. अब मान के चलते और बच्चों को आगे की लेना तो हेल्थ सेंटर दिया गया. हेल्थ सेंटर में बेबी सेंटर, हेल्थ एंड ब्यूटी, हार्ट हेल्थ, प्रेगनेंसी स्ट्रे, मतलब सभी चीज़ें. ये प्रेगनेंसी पे तो इसमें आ जाएगा, जब महिलाएं गर्भवती होती है तो उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन होती है, मतलब पूरा डॉक्टर लाइन की प्रिपरेशन कर सकता है एक स्टूडेंट यहीं से. ये ऑडियो और वीडियो वर्जन में आपको अवेलेबल होगी. हर टॉपिक की डिटेल दी गई दोस्त, या आप DMLT या फिर आपका GNM या PPT, या आप जो
हेल्थ एंड फिटनेस का जो मेडिकल लाइन का बंदा है वो जानता है DNLT वगैरह की, जो प्रोफेशन करता है स्टूडेंट कॉलेज में, जो तैयारी करता है उसकी प्रोफेशन कर सकता है। मतलब पूरा का पूरा आपका मटेरियल दिया गया है, ये पूरा का पूरा डॉक्टर लाइन का मटेरियल है दोस्त। अब डॉक्टर अगर आप यहाँ से जो प्रोफेशन करते हो तो डॉक्टर लाइन की पूरी कोचिंग प्रोफेशन कर सकते हो। ये पूरे चैप्टर के नाम दिए गए उसमें, जिसमें डाइट एंड फिटनेस, हेल्थ सेंटर, ड्रग रिप्रेशन बोर्ड, प्रेगनेंसी, मतलब पूरा का पूरा आप कंप्लीट कर सकते हो। जिसमें आपका GNM भी आ जाएगा, इसमें आपका PMT भी आ जाएगा, इसमें आपका DNLT भी आ जाएगा, जिसमें आप डॉक्टर लाइन की पूरी प्रोफेशन कर सकते हो। विद आपको थ्योरिकल विद प्रैक्टिकल आपको एजुकेशन अवेलेबल होगी। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरे हर टॉपिक पे आप किस लिख करोगे ना तो हर टॉपिक की आपकी डिग्री। देखो बेड एंड रेस्ट, बेड रेस्ट क्यों करना जरूरी है, किस चीज़ में किस समय चाहिए आपको बेड रेस्ट के लिए, उसका चैप्टर दिया। मतलब जिस पे आप क्लिक करोगे उसके अंदर की डिटेल ही ओपन होगी दोस्त। ये हर टॉपिक में जो ब्लू ब्लू लाइन दिख रही है आपको उस पर क्लिक करोगे उसके अंदर की डिटेल। अगर मैं आपको एक ही चैप्टर की अगर डिटेल बताने लग जाऊँ तो दोस्त इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ 10 दिन उसी एक चैप्टर के अंदर अपन को लग जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर को बनने के लिए कितना समय लगता है, इंजीनियर को बनने के लिए कितना समय लगता है, तो उतना ही समय ये बताने में लग जाता है मेरे दोस्त। तो आपको ये एजुकेशन अवेलेबल होगी, अभी मैं आपको सिर्फ इसका डेमो बता रहा हूँ। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका जो मिलेगा हेल्थ एंड फिटनेस के बाद, अब मैं भेज जाता हूं आपको यहां पर, उसके बाद आपका आता है यहां पर लर्निंग टू रीड और लर्निंग टू राइट। मतलब लिखना कैसे, बोलना कैसे, क्या चीज़ होती है, पूरा A to Z ABCD का ऑडियो वीडियो में आएगा। ये भी पूरा पूरा पढ़ाई और प्लस कमाई के माध्यम से, मतलब पूरा अभी एड आ जाता है इसमें, जिसको अपन हटा देते हैं। पूरा का पूरा A for Apple, A for Aeroplane, X पूरा का पूरा दिया। बी आप BP आ जाएगा यहीं पर आपको, मतलब जो भी आपको ABCD के लेके माध्यम से कर सकते राइट। नेक्स्ट ट्रेनिंग वगैरह बच्चों लेवल की, चिल्ड्रन प्ले लर्न, चिल्ड्रन लेवल का इंसाइक्लोपीडिया भी आप यहाँ पे अवेलेबल कर सकते हैं। ये पूरा इंसाइक्लोपीडिया जाएगा आपको अर्थ का, ये जिसमें आपको इंसाइक्लोपीडिया की प्रिपरेशन करना है। पूरा ड्राइंग करना, अपन ड्राइंग करना भी सीख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें ड्राइंग वगैरह में कैसे क्या वुमन का चेहरा बनता है, कैसे वुमेन सभी का आता है ये पूरा चेहरा बनाने की टेक्निक, ये पूरा आप ऑडियो वीडियो में देख सकते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट लिख दिया उन्होंने यहाँ पर, फर्स्ट हा सो एम सॉप, आप उसने एम लिखा, एम लिखने के बाद में फिर दूसरा चैप्टर दिया ड्राओ ए, मतलब जो चीज़ कर रहा है वो लिखे के भी आ रही है कि क्या लिख रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं वो और क्या लिखा रहा है, जो लिखा रहा है वही कर रहा है, जो कर रहा है ना वही लिख के दे रहे हैं ताकि उसमें बच्चे को समझ में आए। जैसे अगर अपन इसको आगे ले जाएंगे ए मेन, मतलब ये मेन का चेहरा बनेगा, जिसमें ए मेन का चेहरा बनेगा, पूरा का पूरा चेहरा ऑडियो और वीडियो वर्जन में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरी पूरी तैयारी अवेलेबल होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट में आपका यहाँ पे आ जाए लर्निंग टू ड्राई, इसकी तैयारी एक्टिव एरिया की प्रिपरेशन जो होती है वो आप प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे एडिशनल आता है अपना, उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपन। जैसे एडिशनल को अगर अपन ने मान के चलो SD कार्ड में डाउनलोड भी कर लिया तो आपका यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। ये डाउनलोड के माध्यम से आपका ये SD कार्ड में आप एडिशनल कर सकते हो। ये पूरा पूरा A to 10 नंबर्स वर्क्स, मतलब पूरा का पूरा आप उसको कर सकते हो। नेक्स्ट ये जाएगा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश मल्टी लेवल ट्रेनिंग, MBA, इंजीनियर, MCA, GK जनरल नॉलेज, मेडिकल भी है। आप GK पे क्लिक करोगे तो आपका GK कोर्स आएंगे, जिसमें BSc GK, MSc GK, MBA GK, इंजीनियर GK, इंजीनियर इंटरेस्ट, जनरल नॉलेज, MS ऑफिस, बैंक, इंग्लिश, ZED, BEd, BEd, उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम, लॉ, कॉमर्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब IT लो, उसके बाद UPSC, IQ, प्रेजेंट ऑफ माइंड, CBSE पैटर्न, NDA, नेशनल डिफेंस अकेडमी। जब आप नेशनल डिफेंस अकेडमी के लोग जनरल नॉलेज टेस्ट फर्स्ट, जनरल नॉलेज टेस्ट सेकंड, मतलब पूरा का पूरा आप ऑडियो वीडियो में तैयारी करके आराम से देख सकते हो। BSc पे क्लिक करोगे तो BSc की प्रिपरेशन ओपन, जिसमें BSc में आपका बॉटनी आ जाएगा, उसमें बॉटनी के बाद केमिस्ट्री आ जाएगा, मतलब पूरा का पूरा प्रिपरेशन कर सकते हो। जिसमें GK जनरल नॉलेज में तब तक जब तक गवर्नमेंट जॉब ना लगे तब तक ई मेल कैसे यूज़ करना, डेस्कटॉप पब्लिसिटी, जिसमें आपका कोई भी क्वेश्चन माइंड में आता तो इस पे डिस्कशन बोर्ड पे कर सकते हो आप क्लिक। उसके बाद में हेल्थ एंड फिटनेस यहाँ पे आ जाएगा। वकील की प्रिपरेशन अगर आपको करना है, अगर 8 सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो तो ये पूरे 19 लो चलते हैं दोस्त। उस 19 लो की प्रिपरेशन, जैसे लिखा है डायरेक्ट लो, इनडायरेक्ट लो, कॉर्पोरेट लो, प्रॉपर्टी लो, फैमिली लो, इंश्योरेंस लो, द इंश्योरेंस लो, NRB लो, फॉरेन लो, एनवायरमेंट लो, द इंश्योरेंस लो, पूरे के पूरे लो की प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। डायरेक्ट लो पे क्लिक करोगे डायरेक्ट लो की डिटेल, ये पूरे लो है दोस्त 19 जिसकी प्रिपरेशन, जैसे ये पूरे दिए गए। अगर एक लो पे क्लिक करोगे इसकी डिटेल आ जाएगी बाहर। अब मान के चलो एक्ट द इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स कब लागू हुआ था, 1961 में लागू हुआ था, ये दिए गए उसकी डिटेल भी आप पढ़ सकते हो। ये आ गया, मतलब जो आपको करना वो पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। अब मैं आपसे बोलूँ IT लो कब लागू हुआ था, तो IT 2000 में लागू हुआ था, ये दिया गया। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
नॉलेज आईटी का फुल फॉर्म होता है, इसके अंदर की डिटेल भरोगे तो इसके अंदर डिटेल आ गई। मतलब जो दोस्त आप करना चाहो वो पूरी पूरी आप तैयारी यहाँ से कर सकते हो। वकील की प्रिपरेशन, डॉक्टर की प्रिपरेशन, प्रोफेशनल की कोई सी प्रिपरेशन कर सकते हो आप। जब इंसाइक्लोपीडिया की स्टडी करोगे तो वो कर सकते हो। पूरा का पूरा मटेरियल आपको अवेलेबल होता है। अब इसमें और घेरा राज जो कि आपको पूरी एजुकेशन अवेलेबल होती है इसके बारे में आई थिंक कोई लोग जानते हो, न्यू पर्सन, मैं आपको बताऊँ। माई टूल बॉक्स, जब आप माई टूल बॉक्स पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर की एजुकेशन खुलेगी जिसमें कंप्यूटर्स, ई स्कूल एजुकेशन, रेजोनेंस सेंटर। जब आप कंप्यूटर पर क्लिक करोगे तो आपके और अंदर की डिटेल खुलेगी जिसमें आपके शॉर्ट टर्म कोर्स जाएंगे दोस्त, लॉन्ग टर्म कोर्स जाएंगे, बीएससी कोर्स जाएंगे। उसमें आप जैसे मान के चलो आपने शॉर्ट टर्म कोर्स पर क्लिक किया तो शॉर्ट टर्म कोर्स जैसे कुछ मतलब ये सर्वर इरर भी बताता है बहुत सी बार ज़्यादा यूज होने पर, बाकी कुछ कुछ टॉपिक अपने सर्वर इरर के कारण लेट खुलते हैं, बाकी उसमें फिर परेशान होने की जरूरत नहीं, अपन उसका वेट करना पड़ेगा क्योंकि दोस्त 50 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो दोस्त हर स्टूडेंट स्टडी करता है या बहुत से लोग स्टडी करते हैं उसी टाइम पर, तो क्या कभी कभी सर्वर की प्रॉब्लम आ जाती है। आज अपन नेट चलाते हैं तो बहुत सी बार नेट में भी कई 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 की जगह अपन को प्रॉब्लम आ जाती है तो सर्वर नहीं मिलते। यस, तो आप बहुत से लोग क्या सोचते हैं, अरे यार एजुकेशन ओपन नहीं हो पाती, अरे यार एजुकेशन ही नहीं खुलती, पागल बनाते, बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं। बट दोस्त सर्वर ही अभी कहीं पे किसी गांव में अपन पहुंच जाए तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलते तो क्या हुआ, अपन ने क्या टावर ही बेकार हो गया, सिम ही फेंक देते क्या? नहीं दोस्त, इसी प्रकार कभी कभी सर्वर की प्रॉब्लम आ जाती है। ये आईआईटी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इसकी प्रिपरेशन अगर करना तो ये पूरा आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह इसकी प्रिपरेशन आ जाएगी, ये पूरा का पूरा डिटेल वाइज पढ़ सकते हैं। पूरी समरी दी जाती है जिसमें अपन तैयारी करते हैं, इसके माध्यम से अपन तैयारी कर सकते हैं। ये पूरा पेज वगैरह दिया जाता है जिसके माध्यम से आप प्रिपरेशन, सीबीएसई बोर्ड पैटर्न वगैरह सभी आ जाता है, ये इसमें पूरे कोर्सेज हैं। ये मेडिकल एंट्रेंस, मेडिकल एंट्रेंस भी अगर अपन को फाइट करना है तो वो कर सकते हैं, जैसे गाइड करना, जैसे एमबीए करना है, किसी भी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना है तो यहाँ पे टेस्टिंग सेंटर दिया गया है जैसे इंडियन हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह का। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो सिविल सर्विस सर्च कर दो, जब इसको सर्च करोगे तो इसमें आपको केमिस्ट्री या इंडियन इकोनॉमी कर दो या ज्योग्राफी कर दो या मान के चलो तो इंडियन इकोनॉमी कर दी तो इसका फॉर्म भरा गया। ये जैसे मेरा फॉर्म है सागर परमार, एड्रेस भी अगर मैं डाल देता हूँ तो यहाँ पर डाल देता हूँ ब्यावरा, ऐसे अपना एड्रेस भी डल जाएगा। आप जैसे मोबाइल नंबर है अपन चाहे तो किसी के मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं जिसमें अपना सर्टिफिकेट बनके आता है, जैसे 97 70 250 215, ये मेरे मोबाइल नंबर जैसे मैंने डाल दिए। जब आप इसको सबमिट करोगे तो इसमें आ जाएगी लाइन, ये पूरा पेपर के लिए स्टार्ट हो गया, ये गो टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। अपन टेस्ट देके देख सकते हैं, जैसे मान के चलो ये द लेवल प्लेइंग फील्ड, अभी इस चीज़ की अगर अपन ने पढ़ाई करी तो अपन इसके आंसर सही दे सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ डेमो के तौर पर बता रहा हूँ क्योंकि इसकी स्टडी तो मैंने नहीं की। तो अब अपन सिविल सर्विस की एग्ज़ाम देके मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस प्रैक्टिस के माध्यम से इसमें टोटल 20 कोर्स आते हैं, 20 कोर्स के टाइमिंग दिया है ये ऊपर, यहाँ पर लेफ्ट टाइमिंग चल रहा है। साथ ही साथ इसमें हेल्पलाइन भी दी जाती 3, जिसमें अगर मान के चलो क्वेश्चन अगर अपन चाहे तो हेल्पलाइन भी ले सकते हैं, जिसमें अपन मतलब जैसे जिस प्रकार दोस्त गेम खेलते हैं, गेम खेलते खेलते अपन को मजे आते हैं तो मजे आते आते अपन को वो चीज़ समझ में भी आने लगती है, इसी प्रकार ये है। आप अपन जो पढ़ाई करके एग्ज़ाम देंगे इसमें भी अपन को मजा आएगा, गेम की तरह आप इसको खेलोगे तो ऑब्वियसली बात है हर स्टूडेंट इसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करेगा और हर स्टूडेंट इसमें इंटरेस्ट के साथ आगे फाइट कर सकता है एग्ज़ाम। कोई भी स्टूडेंट हुआ वो चाहता है कि यार मेरी स्टडी इस प्रकार हो जाए जिस प्रकार मैं क्रिकेट खेलूँ, कहने का मतलब जब क्रिकेट खेलता है तो लोगों का मनोरंजन होता है, इसी प्रकार ये स्टडी आपको ऑडियो वीडियो वर्जन में अवेलेबल होती है। लास्ट क्वेश्चन का अपन ने फाइट किया, ये बन के आ गया। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट मतलब टोटल यू आर स्कोर 6 हुआ, नेगेटिव मार्किंग ऑफ कर रखी थी लाइनर सेट। अब यहाँ पर अगर 60% से ज़्यादा परसेंट रहा तो अपनों को सर्टिफिकेट भी होता है, सर्टिफिकेट व्यू करने के लिए यहाँ पर दिए गए जैसे अपन कोड डाल सकते हैं, ये यू आर ट्रांजेक्शन आई डी जैसे ये दिया है इन्होंने तो ट्रांजेक्शन आई डी अपन डाल के देख सकते हैं, जैसे इन्होंने दिया है 51 24 701 701 है सॉरी, ये जब आ गया तो ये मैंने अभी तक इतनी एग्ज़ाम दे चुका हूँ यहाँ से। अब सर्टिफिकेट लास्ट सर्टिफिकेट इकोनॉमिक अपन ने अगर ओपन करके देखा तो ये ओपन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो 70% मतलब यहाँ पर कितने रहा है, ओनली 30% से 60% से ऊपर आता है, लेकिन कुछ कुछ कोर्स होते हैं जो कि मतलब कुछ कुछ के सर्टिफिकेट व्यू हो जाते हैं। जैसे मैं मान के चलता हूँ अभी तक मैंने इन लोगों ने एग्ज़ाम दी, विंडो में अगर मान के चलो मैं 25% का सर्टिफिकेट उठा नहीं उठेगा, मतलब 60 से ऊपर का ही उठेगा, जैसे कोई सा ये ओपन हो गया जैसे मेरा तो ये सर्टिफिकेट केमिस्ट्री ये मैंने जैसे एग्ज़ाम दिया था तो इसमें परसेंटेज है 35%, मतलब 35% मेरे इसमें बने हुए थे। ये सर्टिफिकेट आपको अवेलेबल होता है जिसकी आप प्रिपरेशन करते हो वो। अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट जो एजुकेशन होती है दोस्त, वापस अपन बैक आते हैं, जब बैक आते हैं अपन तो आगे का पूरा सेटल होता है और जो पढ़ाई अपन को करनी है वो कर सकते हैं। ये ई स्कूल एजुकेशन है, 10वीं और 12वीं की भी अपन तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, रेजोनेंस सेंटर है, रेजोनेंस सेंटर की प्रिपरेशन कर सकते हैं, लीगल इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, हेल्थ कर सकते हैं, ये मैंने आपको इंग्लिश एंड फ्रांस लैंग्वेज की भी आप तैयारी यहाँ से कर सकते हो जिसमें इंग्लिश। Do you want to ensure that your writing is clear? की तैयारी आपकी हो जाती है इंग्लिश स्पोकन के साथ साथ, अगर आपको मान के चलो एंट्रेंस एग्जाम फाइट करना तो ये आ गया, ये सीबीएसई पैटर्न आ गया, 11th 12th आ गया, ये पूरा 11th 12th इसकी तैयारी कर सकते हो। साथ ही साथ आपका स्टेप एजुकेशन, ये सबसे मेन महत्वपूर्ण एजुकेशन जिसमें आपका पूरा इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपका क्या जाता है
जीके जिसकी तैयारी कर सकते हो इसमें दिया जाएगा। ऑटोमोटिव बॉडी प्लस हेल्थ कंप्यूटर टूल डिस्टॉप इलेक्ट्रिशियन होम इंटरनेट पूरा पूरा मान के चलो अपने कंप्यूटर पे क्लिक किया ये इनसाइड क्या क्या यूज़ करता है इनसाइड क्या कैसे यूज़ करता है पूरा दिया है ये पूरे चैप्टर के नाम है। मान के चलो अगर आपको यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जाना साइंस एंड टेक्नोलॉजी खुल के आ जाएगी ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब मान के चलो दूसरा ओपन करोगे तो दूसरा आ जाएगी डिटेल ये पूरा का पूरा डिटेल आप यहाँ से तैयारी इसका मटेरियल में इस पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर की डिटेल आ जाएगी इस पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर की डिटेल आ जाएगी। अब ये पूरा डिटेल वाइज आपकी तैयारी अवेलेबल हो जाए। अब आपका ब्लू लाइनिंग दिख रहा है ब्लू लाइन पे क्लिक करोगे उसके अंदर की डिटेल खुल के आ जाएगी मतलब पूरा का पूरा आप कर सकते हो। फिर ब्लू लाइन दिख रही है उसके अंदर का डिटेल करोगे ओपन आ जाएगी मतलब पूरा का पूरा आप ओपन पूरी तैयारी करोगे आप पढ़ाई करके थक जाओगे। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो ब्लू लाइन दिख रही है मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहते हैं जो कि जीके जनरल नॉलेज किसी भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे अपन इसकी तैयारी कर सकते हैं अपन बहुत अंदर जा चुके थे दोस्त अब बाहर आ रहे हैं अपन तो इसकी तैयारी अपन कर सकते हैं मतलब पूरा का पूरा एजुकेशन मटेरियल आपको अवेलेबल होता है जिसमें आप तैयारी कर सकते हो। ये है दोस्त डी सॉप की एजुकेशन। और आज लोग बोलते हैं पढ़ाई नहीं होती दोस्त बहुत सी एजुकेशन अवेलेबल होती बस लोगों का इसका ज्ञान नहीं हो पाता। कुछ लोग होते हैं जिसको इनका नॉलेज नहीं हो पाता जब नॉलेज ही नहीं रहेगा तो आप ज्ञान कहाँ से ले पाओगे। अगर मैं इसको पूरी बताने लग जाऊँ तो दोस्त आई थिंक अपन इसको बताते बताते थक जाएंगे और पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे ये एजुकेशन पूरी नहीं हो पाएगी। ये तो एक समुद्र की तरह है ये तो एक समुद्र की तरह है जिस प्रकार समुद्र में पानी ख़त्म नहीं होता इसी प्रकार इस डी सॉप एजुकेशन में आपकी एजुकेशन खत्म नहीं होती। जिस प्रकार एक डिक्शनरी होती है उसमें शब्द कितने ढूंढ सकते हैं अपन पर ढूंढने वाला चाहिए जिस प्रकार एक लाइब्रेरी होती है लाइब्रेरी में सभी किताबें होती है पर ढूंढने वाला चाहिए इसी प्रकार डी सॉप संस्था में एजुकेशन होती है पर ढूंढने वाला और पढ़ने वाला चाहिए। ओके दोस्तों थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। किसी को कॉन्टेक्ट करना है तो कर सकता है अपनी अपलाइन से पूछ सकता है। ओके जे अपलाइन जे डी सॉप।